नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है सल्तनतकालीन प्रशासन का भाग दो। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सल्तनतकालीन प्रशासन के बारे में, वो था भाग पहला, और आज हम दूसरे भाग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कल वाले लेक्चर में भी हमने कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ वगैरह जो है उनके बारे में देखा था, सुल्तान के बारे में देखा था, उसकी मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, प्रांतों में शासन किस प्रकार का हुआ करता था, ये हमने देखा था। आज हम उसके आगे का डिस्कस करने वाले हैं, और आज के जो लेक्चर होने वाला आज का, इस लेक्चर में हम सल्तनतकालीन प्रशासन को समाप्त कर देंगे और कल से हम शुरू करेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन, जहाँ से कम दो या एक सवाल तो पक्का वहाँ से बनता ही बनता है भक्ति और सूफी आंदोलन से। चाहे वो आप कोई से भी ईयर का पेपर उठा के देख लो, एक आपको क्वेश्चन तो पक्का मिलेगा, और हम इस तरीके से पढ़ेंगे ना कि वो एक क्वेश्चन आपका पक्का जो है आपका उसमें से सॉल्व हो जाएगा। दो लेक्चर हम उसमें लेंगे, एक भक्ति आंदोलन के लिए, एक सूफी आंदोलन के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये है भाग दो। अब उसमें हमने देख लिया था प्रशासन किस प्रकार का हुआ करता था, केंद्र में फिर प्रांतों में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक विकास जो है उस काल में किस प्रकार का हुआ करता था। तो उस काल की अगर देखा जाए तो सल्तनत काल के आर्थिक प्रशासन के बारे में हमें कुछ ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उस काल में क्या हुआ करता था कि जो भी इतिहासकार होते थे और जो उनके दरबारी भी हुआ करते थे, साहित्यकार, जो दरबारी कवि वगैरह हुआ करते थे, वो सिर्फ राजनीतिक इतिहास में ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। सिर्फ राजाओं के बारे में, उनकी जीतों के बारे में, लिखने के बारे में आप ज़्यादा दिलचस्पी रखा करते थे। आर्थिक जो है उसके बारे में, आर्थिक स्थिति किस प्रकार की हुआ करती थी, इसके बारे में हमें थोड़ी कम ही जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर भी अगर बहुत सारे अगर स्रोतों को हम लें कि अगर हम वहाँ के देखें कि हाँ सुल्तान जो है इतना कर प्राप्त करता था, ये होता था कि यहाँ से इतना चोरी का माल, सॉरी लूट का माल मिलता था, अगर इन सब चीज़ों के बारे में अगर कहीं से हम बहुत सारे स्रोतों से अगर लें तो हमें इतना तो पता हम कर सकते हैं कि उस काल की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुआ करती थी भारत की। ठीक है, और जो हिंदू जागीरदार और राजा हुआ करते थे उनकी आर्थिक दशा तो बहुत ही बढ़िया हुआ करती थी, और जो मुस्लिम सुल्तान वगैरह हुआ करते थे, अमीर वगैरह हुआ करते थे, उनकी आर्थिक दशा भी बहुत बढ़िया हुआ करती थी, बहुत विलासपूर्ण जीवन वो जिया करते थे। और जो वस्त्र उद्योग है वो इस काल में बहुत ही फला फूला था, बहुत बड़ा इस काल में वस्त्र उद्योग हुआ करता था, और आंतरिक व्यापार भी अपने यहाँ होता था और बाहरी व्यापार भी अपने यहाँ होता था। बाहरी मतलब विदेशी व्यापार भी अपने यहाँ होता था उस काल में। जैसे अगर देखें तो भड़ोच, खम्बात, मुल्तान, लखनौती और इस प्रकार के अपने यहाँ बंदरगाह और जो है प्रमुख नगर उस काल में हुआ करते थे, है ना। ये आपको याद रखना है, ये भड़ोच, खम्बात, ये क्या हुआ करते थे, ये उस काल के पोर्ट हुआ करते थे। मुल्तान, है ना, मुल्तान के व्यापारी तो इतने अमीर हुआ करते थे ना कि इतिहासकार ऐसे बताते हैं कि उनके घर पर तो सोना चांदी यूं ही पड़ा रहता था, और वो तो बड़े बड़े सामंत और जो राजा थे उनको भी उधार दिया करते थे। आप सोच लीजिए आप कि मुल्तान के व्यापारी कितने अमीर होंगे जब वो सामंतों और राजाओं को ही उधार पैसा दे रहे हैं, तो है ना। फिर भारत का विदेशी व्यापार कहाँ कहाँ होता था, मिस्र, पुर्तगाल, श्रीलंका, बर्मा, चीन, जापान, पूर्वी द्वीप समूह, नेपाल, ईरान, मध्य एशिया, इन देशों से अपना जो है विदेशी व्यापार भी हुआ करता था। देखें मिस्र जो है अपना अफ्रीका में यहाँ पड़ता है, ठीक है। फिर कौन सा देश है, पुर्तगाल, पुर्तगाल देखिए यहाँ पुर्तगाल है, ठीक है। आपको ये मैप भी साथ साथ में आपका रिवाइज होता रहेगा अगर आपने पहले पढ़ रखा हो है तो, और नहीं भी पढ़ रखा है आपने तो आपके दिमाग में जो है हल्का हल्का देश कहाँ है इसका आइडिया होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि मैप ऐसी चीज़ है ना, वो एक दिन में कभी तैयार नहीं होता, वो धीरे 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 चीज़ें जो है उसकी आपके याद होगी, धीरे धीरे वो मैप तैयार होगा। एकदम से कोई बैठ कर मैं 10 दिन में मैप याद कर लूँगा, कोई याद नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर श्रीलंका, श्रीलंका तो अपना है ही है, देखिए छोटा सा इधर, ठीक है। फिर क्या है, बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, ये जो अपना पड़ोसी देश है यहाँ म्यांमार, ठीक है। फिर चीन, चीन तो जानते हैं आप इतना बड़ा चीन है, ठीक है। फिर है जापान, जापान तो अपना ये इधर जापान है, ये जापान है यहाँ, ठीक है। फिर क्या पड़ता है, पूर्वी द्वीप समूह, ये दक्षिण पूर्वी एशिया वाले जो है ना, ये पूर्वी द्वीप समूह है, ठीक है। फिर नेपाल, नेपाल तो अपना पड़ोसी देश है, ये यहाँ पर पड़ोसी देश है नेपाल, ठीक है। ईरान, ईरान देखिए यहाँ पर ईरान है, ये जो है ये वाला एरिया यहाँ पर ईरान है। मध्य एशिया मतलब ये मध्य एशिया हो गया पूरा, ये मध्य एशिया ही है, ठीक, ये वाला मध्य एशिया अगर देखा जाए तो ये मिडिल ईस्ट है तो, ठीक है। फिर हाँ, तो ये अपने देश हो गए, आपको मैंने बता दिया लोकेशन में इनकी कहाँ कहाँ हुआ करते थे, तो यहाँ पर अपना व्यापार उस काल में हुआ करता था, ठीक है। आगे चल लेते हैं,
फिर अब देख लेते हैं, ये तो देख लिया हमने आर्थिक का उत्प्रशासन या आर्थिक स्थिति उस काल में किस प्रकार की हुआ करती थी। कुछ ज़्यादा तो हमें स्रोत मिलते नहीं है ये जानने के, जितने जैसे कि राजनीतिक स्थिति जानने के स्रोत हैं उतने आर्थिक स्थिति जानने के स्रोत नहीं है। फिर हम देख लेते हैं कि ये सल्तनतकालीन साहित्य जो है वो कौन कौन सा साहित्य उस काल में हुआ। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस है यहाँ से, आर्थिक स्थिति से आपको कोई ज़्यादा सवाल बनने के यहाँ से चांसेस नहीं है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। यहाँ से आपको पूछ लेगा कि चचनामा क्या है, टूतीनामा ये क्या है, तारिकुल हिंद क्या है, ये किसने लिखी है, इसमें क्या लिखा है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चचनामा क्या था, इसमें जो अरब लोग थे उन्होंने सिंध पर किस प्रकार से विजय की उसका वर्णन लिखा हुआ है चचनामा में, और इसके इसके लेखक कौन है, अली अहमद, अली अहमद ने इसे लिखा है। और किस भाषा में लिखा है, अरबी भाषा में। तो शुरुआत वाले ये जो सल्तनत काल में लिखे गए ना वो सब अरबी भाषा में ही शुरुआत वाले लिखे गए हैं, क्योंकि आने वाले सबसे पहले अरबी तो थे ही। तो अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन है किसमें, चचनामा में, और किसने लिखी है, अली अहमद ने लिखी है चचनामा, ठीक है। फिर है तारिकुल हिंद, ये तो इम्पोर्टेंट 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 है, ठीक है ना, तारिकुल हिंद ये तो आपको याद ही रखना है, मेंस में कहीं आपको एग्जांपल भी देना है तो ये तो आपको याद ही रखना है। तारिकुल हिंद या किताबुल हिंद भी इसे कहते हैं, इसके लेखक है अल बरूनी। तो जब महमूद गजनवी अपने आया था ना उसके साथ आया था ये अल बरूनी, और उत्बी नाम का एक और साहित्यकार हुआ करता था विद्वान, वो भी इसी के दरबार में हुआ करता था, ठीक है। और अरबी भाषा में इसने इसकी लिखी है इस किताब को, और 11वीं सदी का जो भारत की सामाजिक आर्थिक दशा थी ना, सामाजिक राजनीतिक जो दशा थी उस चीज़ का उसमें उल्लेख है तारिकुल हिंद या किताबुल हिंद में, किसने लिखी, अल बरूनी ने। और ये किसके साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था, और महमूद गजनवी के दरबार में ही उत्बी नाम का जो है वो लेखक और जो साहित्यकार है वो भी हुआ करता था, ठीक है। और फिर है तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी देखिए इस मैंने आपको पहले भी बताया इसको, ये लिखी है मिन्हाज उस सिराज ने, या मिन्हाज उस सिराज ने इसे लिखी है। और नासिरुद्दीन महमूद जो है ना उसका ये मंत्री हुआ करता था, काजी हुआ करता था ये, कौन, ये मिन्हाज उस सिराज है। तो उसने अपनी जो ये किताब लिखी है उसमें जो महमूद है उसके बारे में इसके बारे इसमें ही लिखा है, नासिरुद्दीन महमूद जो शासक था उसके बारे में ही लिखा है अपनी इस किताब में तबकाते नासिरी में, नासिरी मतलब नासिरुद्दीन महमूद के में लिखी, ठीक है। आगे चल लेते हैं, फिर है ताजुल मुआसिर। तो जब गोरी भारत में आया था ना, उसने भारत में आक्रमण किया था, उस चीज़ के बारे में उसकी घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है ताजुल मुआसिर में, और ये लिखा किसने, हसन निजामी। तो हसन निजामी जो है उसने लिखी है ताजुल मुआसिर, ये गोरी के आक्रमणों के बारे में इसमें लिखा हुआ है। फिर है तारीख़ फिरोजशाही, इसमें जियाउद्दीन बरनी की लिखी हुई है ये तारीख़ फिरोजशाही, और इसमें बलबन से लेकर फिरोजशाह तुगलक तक के शासनकाल के बारे में इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, किसमें, तारीख़ फिरोजशाही में। तो बलबन से लेकर फिरोज तुगलक जो है उसके शासनकाल तक इसमें लिखा हुआ है, और ये लिखी है किसने, जियाउद्दीन बरनी ने। ये एक एक चीज़ इनमें से सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक चीज़ ऐसा नहीं है कि छोड़ने वाली है, ठीक है। तो चचनामा देख लेते हैं किसने लिखी, अली अहमद ने, अरबों पर अरबों की सिंध विजय का वर्णन। किताबुल हिंद महमूद गजनवी के साथ जो आया था अल बरूनी, उसने लिखी है उस काल के 11वीं सदी के सामाजिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार की हुआ करती थी। तबकाते नासिरी किसने लिखी, मिन्हाज उस सिराज, ये तो भूलना ही मत आप, ये जो महमूद था नासिरुद्दीन महमूद उसके बारे में लिखा है। फिर ताजुल मुआसिर जो है ये हसन निजामी ने लिखी है, गोरी के आक्रमण के बारे में लिखा हुआ है। और तारीख़ फिरोजशाही, तारीख़ फिरोजशाही लिखी है जियाउद्दीन बरनी ने, जिसमें क्या लिखा है, बलबन से लेकर अपना फिरोज तुगलक है उसके शासनकाल तक इसमें चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। फिर है फतवाए जहांदरी, फतवाए जहांदरी किसने लिखी है, ये भी जियाउद्दीन बरनी ने ही लिखी है, ठीक है। तारीख़ फिरोजशाही बरनी ने लिखी है, फतवाए जहांदरी फिरोजशाही इसने बरनी ने लिखी है। और जो भी इसमें सल्तनत कालीन की जो राजनीतिक विचारधारा वगैरह हुआ करती थी ना वो इसमें लिखी हुई है, किसमें, फतवाए जहांदरी। आप तो इतना याद रख लेना, इसमें फतवाए जहांदरी किसने लिखी है, जियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। दो चार बार आज इसको याद कर लोगे ना तो याद हो जाएगा, जैसे आप बैठे हो है ना, तो बैठे बैठे अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो तो ऐसे देख मैं तेरी फतवाए जहांदरी लिख दूंगा, या मैं भी अपनी एक आत्मकथा लिखूंगा फतवाए जो भी आपका नाम हो वो है ना, फतवाए ये लिख दूंगा, फतवाए वो लिख दूंगा, तो इससे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। फिर है फतुहात फिरोजशाही, देखिए ये तो हमने देखा था ऑटोबायोग्राफी है फिरोज तुगलक की, इसने खुद ही लिखी है, फारसी भाषा में लिखी है, तो है ना, फारसी में लिखी हुई है फतुहात फिरोजशाही, है ना, फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। फिर है तारीख मुबारक शाही, तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ये नाम है पूरा, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया खान पाकिस्तान के जनरल भी तो थे, अभी मूवी आई थी कौन सी,
सैम बहादुर, तो उसमें आता ना याया खान, तो याया खान वैसा ही है। तो आप तो याया खान इसको समझ लो। याया खान ने कौन सी लिखी है? तारीख़े मुबारक शाही। उसमें कहते हैं ना याया को मुबारक हो, क्योंकि वो पाकिस्तान में चला जाता है, वहाँ का जनरल वगैरह बन जाता है। तो समझ लो कि याया खान को मुबारक हो भाई, उसको तारीख जो है पाकिस्तान की तारीख मुबारक हो। तो तारीख मुबारक शाही किसने लिखी? याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। ठीक है, और इस ग्रंथ में इसने क्या लिखा है? तुगलक काल के बाद जो सैयद वंश आए थे ना, उस विषय उसके बारे में इसमें लिखा है, तारीख़े मुबारक शाही के बारे में। और सैयद वंश के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत कौन है? तारीख़े मुबारक शाही, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। थोड़ा सा पानी पी लूँ मैं। तो हमने देख लिया तारीख़े फिरोज शाही, तारीख़े मुबारक शाही, ये आपको पक्का पक्का याद रखना है, तारीख़े मुबारक शाही। किसने लिखी है तारीख़े मुबारक शाही? याहिया खान, समझ लो आप तो इतना नहीं हो, याहिया अहमद ने ऐसा कुछ लिखी है। ठीक है, और सैयद वंश के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत है तारीख मुबारक शाही, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, फिर अब हम देख लेते हैं अमीर खुसरो ने कुछ किताबें लिखी है, उसकी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो खजाइन उल फुतूह, ये तो इंपॉर्टेंट है एकदम, खजाइन उल फुतूह। तो जो इसको तारीख अलाई भी कहते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी के शुरुआत के 15 वर्ष उसका शासनकाल होता है ना, उसके बारे में लिखा है खजाइन उल फुतूह के किताब में। ये जब अपना अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तब भी ये जो अमीर खुसरो है इसके बारे में उस चीज़ का भी वर्णन इसमें करता है। ठीक है, फिर है किरान उस सादेन, बुगरा खान और उसके बेटे कैकुबाद के मिलन की ऐतिहासिक घटना इसमें है, किरान उस सादेन। ठीक है, बुगरा खान इसी को तो आगे कैकुबाद और बुगरा खान होते हैं, फिर इन्हीं के आगे तो बहलोल, सॉरी बहलोल लोदी, हाँ नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसी को तो मार के फिर शासक बनता है, इसी के जो वंशज होते हैं उनको। फिर मिफ्ताह उल फतेह, मिफ्ताह उल फतेह किसने लिखी है? ये लिखी सारी है खुसरो की ही है सारी की सारी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे उसके सैन्य अभियानों के बारे में, रणथंभौर पर उसने सुल्तान की चढ़ाई की थी। देखिए मैंने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी भी रणथंभौर पर आक्रमण कर चुका होता 2 बार, है ना, ये 90 में और 92 में, परंतु वो सफल नहीं होता है। और वो क्या कहता है कि मैं इसकी किले को ऐसे 10 किलों को मुसलमान के इकबाल के बराबर भी नहीं समझता, क्योंकि वो जीत नहीं पाता है। तो ये उसके बारे में भी लिखा हुआ है, उसका काल में उसके साथ था अमीर खुसरो। ठीक है, सैन की विजय, मलिक छज्जू के विद्रोह के बारे में इसमें मिलता है, नूह सिपह सर। ठीक है, फिर आशिक उल अनवर, इसमें क्या लिखा है? खुसरो ने गुजरात के राजा कर्ण जो है उसकी पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज खां के बीच जो प्रेम प्रसंग हुआ था उसका उल्लेख किसमें है? आशिका उल अनवर में। आशिका से आपको पता ही लग जाएगा, आशिका उल अनवर। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं मंगोलों द्वारा स्वयं अपने कैद की कहानी भी इसमें लिखी हुई है, आशिका उल अनवर, क्योंकि मंगोलों ने इसको कैद कर लिया था अमीर खुसरो को, और उसको बहुत परेशान किया था, बहुत रहपटे बजाए थे इस पर। फिर तुगलकनामा, अमीर खुसरो की ये अंतिम कृति है तुगलकनामा, और इसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गयासुद्दीन तुगलक की विजय के बारे में इसमें लिखाया गया है। ठीक है, फिर और भी इसने लिखे थे जैसे लैला मजनू, शीरी फरहाद, देवल रानी व खिजर खां, एक गुजरात की राजकुमारी थी ये, आईने सिकंदरी, हस्त बहिष्त, तारीख़ दिल्ली, इस प्रकार के ग्रंथ भी अमीर खुसरो ने लिखे थे। तो इसके इम्पोर्टेंट तो एक तो खजाइनुल फुतूह है, तो आप याद ही रख लेना, अलाउद्दीन खिलजी के 15 वर्ष का जो शासनकाल था ना शुरुआत का, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने देख लिया, आगे चल लेते हैं। इनमें एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप छोड़ सको, सारी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देख लेते हैं उस काल की सामाजिक अवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी। तो उस काल में 2 प्रकार के लोग होते थे, एक तो हिंदू, एक मुसलमान। ठीक है ना, हिंदुओं में वही 4 प्रकार का वर्ण में भाग में बटा हुआ था समाज, मुसलमानों में भी 2 प्रकार के मुसलमान हुआ करते थे, एक तो जो भारतीय मुसलमान थे जो पहले हिंदू थे फिर मुसलमान बन गए, एक जो तुर्की फारसी ईरानी लोग अरबी लोग जो थे वो लोग थे। 2 प्रकार के मुसलमान हुआ करते थे, और ये तुर्की फारसी अरबी और ये मुसलमान हुआ करते थे ना, ये भारतीय मुसलमानों को तो नीची दृष्टि से देखा करते थे, हे दृष्टि से देखा करते थे कि ये तो असली मुसलमान है ही नहीं है। ठीक है, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया करते थे। और उस काल में दास प्रथा भी प्रचलन थी, भाई दास प्रथा प्रथा तो प्रचलन थी। हमने देखा कि शुरू शुरू के जो शासक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, ये सब कौन होते हैं? ये गुलाम वंश के ही तो होते हैं। हाँ, तो दास और गुलाम एक ही बात है, पर ये दास प्रथा बुरी नहीं होती है, यानी अगर कोई दास योग्य होता था तो उसको मुक्त भी कर दिया जाता था, उसे पूरा अपना काम करने का, अपनी योग्यता दिखाने का पूरा अवसर उसे दिया जाता था। भाई मालिक इतना कर दे तो फिर क्या ही बात है। आज भी देखिए
अभी गुड़गांव में थोड़े दिन पहले खबर आई थी कि एक छोटी सी 13 साल की बच्ची को कैद करके रख लिया गया। उन्होंने तथा कथित अपने आप को ऊँचा बताने वाले, पढ़े लिखे बताने वाले, और बेचारे को उसको खाना ही नहीं दिया, उसको मारते थे, उसको पैसा भी नहीं देते थे, अपने घर वालों से बात भी नहीं करने देते थे उसे। देखिए कैसा अपने आप को सभ्य बताने वाला समाज, बोलते हैं कि पढ़े अगर पढ़ लिख जाएगा इंसान तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। कहाँ पढ़ लिखने के बाद एम्पैथी और वो कहाँ आई है उसमें? नहीं आई ना। तो यही है, ऐसे ही सिर्फ पढ़ाई लिखाई जब तक काम में नहीं है, जब तक आप उसको अपने चरित्र में नहीं उतार लो। पढ़ाई लिखाई शिक्षा आपको आपके अधिकार तो सिखाती है, साथ ही एक उत्तरदायित्व भी आपको देती है। वो नहीं सुनी आपने, विद्या ददाति विनयम, वही वाली बात है। शिक्षा से आपको विनय प्राप्त होता है, शिक्षा आपको विनय प्रदान करती है। तो अगर आप पढ़े लिखे हों तो आप घमंड कभी नहीं करना चाहिए, बड़ा विनय आपको दिखाना चाहिए। कोई भी आदमी हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, दुकान वाले हो, कोई भी, उसके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। मान लो वो ना हो तो रिक्शा कौन चलाएगा, जूते पॉलिश करने वाला ना हो तो जूता पॉलिश कौन करेगा। सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है इस समाज में, इस पूरी इकोनॉमी में, तो सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दासों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाता था कि अगर वो योग्य है तो उन्हें अपनी योग्यता दिखाने का पूरा अवसर दिया जाता था। अगर आपके घर में भी कोई सर्वेंट काम कर रहा हो ना तो उससे भी अपनी योग्यता दिखाने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए, ठीक है। और रहट जो है उसका पहला विस्तृत विवरण किसमें है? बाबरनामा में दिया गया है। ये 16वीं सदी में लिखी हुई किताब है बाबरनामा। तो रहट क्या है? देखिए ये रहट है, ये पानी निकालने वाला एक चक्का सा नहीं होता था पहले, ये है रहट। देखिए इसके ऊपर UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया था एक बार कि रहट क्या होता है। NCERT में रहट की फ़ोटो दी हुई है, इसलिए मैं आपके लिए रहट की फ़ोटो लेके यहाँ आ गया ताकि आपको जो है पता लग जाए कि रहट क्या होता है, ठीक है। फिर हिंदुओं के घरों में जो स्त्रियाँ होती थी उनको गृह स्वामिनी कहते थे। आज भी कहते हैं ना भाई, ये तो घर की लक्ष्मी है, यही मालकिन है, कहते हैं ना। तो भाई कहने के नाम मात्र की आप कह सकते हैं कि नाम मात्र की गृह स्वामिनी होती थी वो, बस कहने को ये। वो संगीत, नृत्य और चित्रकला, इस प्रकार की शिक्षा भी वो प्राप्त कर सकती थी, फिर भी उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। और ख़ासतौर से जो उच्च वर्ग, जो तथाकथित उच्च वर्ग हुआ करता था, उसमें स्त्रियों की स्थिति ज़्यादा खराब हुआ करती थी। बहुविवाह उस काल में भी प्रचलित हुआ करता था, और विवाह की पवित्रता जो है थोड़ी कम इस काल में आते आते हो गई थी। क्यों? एक तो जो है मुस्लिम समाज है उसमें 7 जन्मों का वो नहीं मानते, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। और फिर यहाँ पर आते आते जो है ना, यह बहुपत्नी प्रथा हो गई है और ये स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो विवाह की पवित्रता भी थोड़ी कम हो गई थी। पर्दा प्रथा प्रचलित में थी ये, तो देखिए आज तक जब प्रचलन में है तो उस काल में भी रही होगी, आज भी तो पर्दा प्रथा प्रचलन में है। पढ़े लिखे लोग भी पर्दा प्रथा का समर्थन करते हैं संस्कृति के नाम पर, ठीक है। फिर सती प्रथा और जौहर की प्रथा भी प्रचलित में थी। सती प्रथा मतलब अपने पति के साथ चिता में जल जाना, और जौहर प्रथा क्या होती थी? जब कोई राजा हमला करता था, ये खासतौर से राजपूत जो महिलाएं हुआ करती थी वो क्या करती थी कि जैसे मुस्लिम शासकों ने हमला कर दिया तो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए वो क्या करती थी कि अग्नि जला के उस अग्निकुंड में कूद जाती थी। ये होता था जौहर। देखिए मैंने आपको बताया था कि चित्तौड़ का साका, तो साके में क्या होता है? एक तो जौहर होता है, ठीक है ना, एक केसरिया होता है। जौहर में क्या होता है कि जो जो भी अपनी राजपूत जो स्त्रियां होती हैं वो आग जला के उसमें कूद जाती है ताकि अपनी इज्जत आबरू की रक्षा की जा सके। केसरिया में क्या होता था कि जो पुरुष होते थे, राजपूत पुरुष, और जो सैनिक होते थे वो अपने आप को कि हाँ भाई मरना या मारना है, इसके साथ केसरिया रंग के कपड़े पहनकर वो युद्ध में कूद पड़ते थे। और जितना हो सके, उनका उद्देश्य होता था कि जितना हो सके दुश्मन को क्षति पहुंचाई जाए। तो ये होता था साका, इसमें एक जौहर और एक केसरिया हुआ करता था। फिर उस काल की धार्मिक अवस्था किस प्रकार की हुआ करती थी ये देख लेते हैं। भाई देखो मोटे मोटे दो धर्म तो थे, हिंदू और मुस्लिम, ये दो धर्म तो थे ही उस काल में। और मुस्लिम धर्म जो है वो अपने उभार पे था क्योंकि जो भी राजा हुए, जो सुल्तान हुए, सब मुस्लिम थे, ठीक है। हालांकि हिंदू धर्म के राजा भी उस काल में हुआ करते थे, हिंदू धर्म भी अच्छी खासी स्थिति में उस काल में हुआ करता था। परंतु ये जो भारत में जो मुसलमान थे वो अधिकतर कट्टर सुन्नी हुआ करते थे। मुसलमानों में दो होते हैं, तो सुन्नी दो संप्रदाय होते हैं, एक होता है शिया। ये वो कौन सा किस मत को मानता है उसके आधार पर है, इसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। शिया और सुन्नी दो होते हैं। तो ये हम अपने वाले जो लोग थे वो होते सुन्नी, और शिया लोगों से ये नफरत किया करते थे, चाहे वो कर्मानी हो चाहे वो मजहबी हो, इन लोगों से ये थोड़ी क्या करता था कि बैर की भावना या इनका दमनात्मक इनके प्रति वो नीति अपनाते थे। हिंदुओं के प्रति भी ऐसा ही होता था, ठीक है। यहाँ तक कि जो सूफी संत होते थे उनको भी कई प्रकार के कष्ट झेलने पड़े थे। हमने देखा था ना कि गयासुद्दीन तुगलक ही था उसके साथ, गयासुद्दीन तुगलक उसके साथ, और जो है
वो सूफी संत थे एक, उनके साथ निजामुद्दीन औलिया, उनके साथ कभी उनकी बनी नहीं, ठीक है। फिर जैन और बौद्ध धर्म भी उस काल में अस्तित्व में था, परंतु कोई इनकी खास स्थिति नहीं थी। अगर जैन धर्म को माने तो जैन धर्म तो सिर्फ राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में ही सीमित होके रह गया था, और बौद्ध धर्म भी जो मध्य भारत आप मान सकते हो, थोड़ा सा पश्चिमोत्तर भारत मान सकते हो, इसमें सिर्फ बौद्ध धर्म सीमित के रह गया था। तो ये उस काल की थी धार्मिक अवस्था। अब जो है मैं आपके लिए थोड़ा लेके आया हूँ उस काल की सल्तनतकालीन शब्दावलियाँ हैं इंपॉर्टेंट। वैसे तो हमने वो पढ़ ली है उस काल की प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, फिर भी अगर कुछ चीज़ें, कुछ शब्दावलियाँ ऐसी हो जो छूट गई हो तो उससे क्वेश्चन अगर बन जाए तो हमें धोखा नहीं रहे कि ये ना पढ़ा। मतलब एक दो बार अगर आपके कान में दिमाग में पड़ा होगा ना तो आप जो है उसको सॉल्व कर ले जाओगे क्वेश्चन को। जैसे इतलाक, इतलाक क्या होता था? इतलाक होता था सुल्तान के कर्मचारियों को जो दो भूमि दी गई होती थी वो होता था इतलाक। फिर इदरार क्या होता था? जो विद्वान और संत लोग थे उनको जो आर्थिक सहायता दी जाती थी उनको क्या, उसको क्या कहा जाता था? इदरार कहा जाता था। फिर कुब्बा, कुब्बा क्या होता था? जो कोई भी उत्सव जैसे मनाते हैं, हम कोई त्यौहार बनाते हैं तो दरवाजे पर वो ऐसे गुंबद जैसा, वो हम नहीं बनाते तोरण जैसा नहीं बना देते, तो वो तोरण या जो गुंबद जैसा बना देते उसे कहते हैं कुब्बा। कुफ्र क्या होता था? जो कुरान और अल्लाह में विश्वास नहीं रखने वाला व्यक्ति क्या होता था? कुफ्र, कुफ्र मतलब पाप, आप कह सकते हैं ना, कुफ्र का भागी हो गए, तो कुफ्र किया इसने। फिर कान, कान खान का है, देखिए खान का से तो क्वेश्चन बन भी गया है। जैसे मैंने आपसे बोला था बार आजम, बार आजम क्या था? जहाँ पर शराब मिलती है, जहाँ पर सुल्तान शराब पीता था, है ना, यही तो। ये नहीं है बार आजम, बार आजम था जहाँ पर सुल्तान अपने राजकीय कार्य किया करता था। तो देखिए खानकाह से सवाल पूछ सकता है तो बार आजम से भी पूछ सकता है। खानकाह क्या हुआ करती थी? सूफी संतों का कामकाज करने का और जो आध्यात्मिक चिंतन करने का केंद्र हुआ करता ना, वो होता था खानकाह। यानी सूफी संत कहाँ रहते थे? अपनी खानकाहों में रहा करते थे, वहाँ बैठ के वो अपनी पूजा अर्चना जो भी चिंतन मनन किया करते थे वो होती थी खानकाहें। फिर खान कौन होता था? खान एक उपाधि जैसी होती थी। खान तो जैसे सरखेल, सिपहसालार, अमीर और जो मलिक है उनका अधिकारी कौन होता था? खान होता था। खान एक उपाधि के जैसे होता था। फिर खालसा भूमि, मैंने आपको बताया था खालसा भूमि मतलब जो सुल्तान के सीधे अधीन आती थी वो खालसा भूमि, जो केंद्र के सीधे अधीन आती थी वो खालसा भूमि होती थी। फिर खासा खेल, खासा खेल क्या होता था? शाही महल की रक्षा के लिए जो सेना होती थी वो होता था खासा खेल। देखिए खास भाई, शाही महल तो खास होता ना, और वहाँ पर खेल मतलब क्या खेल उस काल में हुआ करता था? तलवार से काटने पीटने का खेल। तो खासा खेल शाही महल की रक्षा करने की जो के लिए जो सेना होती थी वो थी खासा खेल। फिर खिरका, खिरका होता था जो शेख लोग होते थे वो अपने ऊपर जो कपड़े पहनते थे, ऊपरी वस्त्र जो होता था जिसे कहते हैं टॉप, कहते हैं एक टॉप बॉटम होता, तो टॉप जो पहनते थे उसे कहते थे खिरका। फिर जिम्मी क्या होता था? जिम्मी, जिम्मी होता था जब मतलब किसी राज्य को जीत लिया, ठीक है, और वहाँ की जनता भाई इस्लाम स्वीकार करने की बजाय ऐसा कह दे कि भैया हम तो जजिया कर दे देंगे, तो उसे कहते थे जिम्मी, है ना। क्योंकि अगर ये जजिया कर किससे लिया जाता था? मुसलमानों से लिया जाता था, तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता था ताकि, हाँ ठीक है। फिर तज़कीर ये होता था धर्मोपदेश। दबीर क्या होता था? दबीर तो हम कल भी हमने देखा था शाही पत्र व्यवहार करता था, वो होता था लेखक वगैरह, वो होता था दबीर। फिर नायक बारबक, ये दरबार के कार्यों का अधिकारी होता था नायक बारबक, ठीक है। फिर नौबत क्या होता था? ये नौबत होते थे अलग अलग प्रकार के जो वाद्य यंत्र होते ना, जैसे नगाड़ा, तुहरी, बांसुरी, बिगुल, झांझ, इनको सामूहिक नाम को नौबत कह दिया जाता था। परंतु राजस्थान में अगर देखा जाए तो नौबत एक अलग से वाद्य यंत्र होता है जिसे नौबत बजाते हैं, है ना, जो गानों में भी नौबत शब्द का इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर पायक, पायक मतलब पैदल सैनिक होते थे, वो पायक होते थे। फिर फतवा क्या होता था? फतवा दे गया, फतवा उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, ये होता था शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय ले लेता आदमी, तो उसे कहते हैं फतवा। देखिए वास्तविकता में तो ये होता था, मेरा आज नहीं फतवा जारी कर दिया जाता है मौलानाओं के द्वारा कि हाँ इसके खिलाफ फतवा जारी कर दो, तो ये क्या होता है? एक आदेश के तौर तरीके का ये होता है। फिर फिकह है क्या होता था? इस्लामी धर्म नीति का जिसको ज्ञान हो वो फिकह होता था। बरीद समाचार वाहक होता था या गुप्तचर भी बरीद ही होता था। बलाहर होता था साधारण किसान। मवास होता था विद्रोह के छिपने का जगह होती थी वो मवास होता था। मसाहत, देखिए मैंने आपको बताया था, है ना, इकताई और मसाहत ये भूमि को कर निर्धारित करने की एक प्रक्रिया ये एक तरीके की हुआ करती थी। फिर मिल्क, मिल्क मतलब दूध नहीं,
मिल्क होता था, विद्वान और जो धार्मिक कार्य के लिए जो भूमि दे देती दे देते थे और जो वंशानुगत चलती थी वो होती था, वो होता था मिल्क। जैसे नहीं कहते ये मेरी मिल्कियत है, तो मिल्कियत मतलब जायदाद। तो मिल्क क्या होता था, जो विद्वान या धार्मिक कार्य के लिए जो भूमि दे दी जाती थी फिर वो वंशानुगत चलती थी, तो वो होते थे मिल्क, जिसे कहते हैं मिल्कियत नहीं कहते हैं, तो वही मिल्क। फिर मुक्ता, तो जो इकता का मालिक होता था उसे क्या कहते थे, मुक्ता, इकता, इक्तेदार, मुक्ता, नायब इस कहते थे ना। फिर मुतसरिफ, ग्रामीण किसानों को से जो भूमिकर वसूलने वाला अधिकारी होता था वो मुतसरिफ हुआ करता था। वक्फ, मैंने देखा था आपको बताया था कि धार्मिक कार्य के लिए जो वो सुरक्षित भूमि होती थी या संपत्ति होती थी जो वो होता था वक्फ। आज भी अपने यहाँ है ना मुस्लिम वक्फ बोर्ड है, अपने यहाँ वक्फ बोर्ड अपने एक्ट के थ्रू बना हुआ है वक्फ बोर्ड, तो वो आज भी मुस्लिम संपत्ति की देखरेख करता है। वली कौन होता था, प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि होता था वो वली होता था। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था। सरखेल 10 घुड़सवारों का अध्यक्ष होता था, सरखेल है ना। सरहंग होता था एक निम्न वर्ग का कर्मचारी, उसे सरहंग कहते थे। हदीस क्या होता था, देखिए कुरान, हदीस, शरीयत, ये सब इस्लाम के उसमें कुछ नियम वगैरह बताए गए हैं वही है। तो मोहम्मद साहब के कथन और तथ्य जो है जीवन से संबंधित वो है हदीस। फिर है हशमे अतरफ, ये होती थी प्रांतीय सेना। फिर होता है हशमे कल्ब, ये होता है दिल्ली की सेना। और मुहतसिब होता था इस्लाम के विरुद्ध कार्यों को रोकने वाला अधिकारी होता था मुहतसिब। फिर मैमार, मैमार होता था इमारतों का निर्माण करने वाला अभियंता या इंजीनियर होता था मैमार। ठीक है आगे चल लेते हैं, फिर हम देखेंगे सल्तनतकालीन सिक्के। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ ये सिक्के सल्तनत काल के हैं, सल्तनत काल के कौन से सिक्के हैं, कौन सा सिक्का कौन किस चीज़ का बना होता था, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो मोहम्मद गोरी का सिक्का देख लेते हैं, ये है देहली वाला सिक्का। मोहम्मद गोरी ने देहली वाला सिक्का जारी किया था, ये सोना चांदी और मिश्र धातु का ये बना होता था, यानी मिश्रित धातुओं को भी ये बने होते थे मोहम्मद गोरी का देहली वाला सिक्का। फिर इल्तुतमिश ने क्या जारी किया, टंका, जीतल, अदल, ये सब किसने जारी किया, इल्तुतमिश ने। टंका चांदी का होता था, जीतल तांबे का होता था, अदल जो है वो तांबा और चांदी दोनों का हुआ करता था। ठीक है, और मासा किसने जारी किया था, मासा होता था बलबन ने जारी किया था। मुबारक शाह खिलजी ने टंकाए अलाई जारी किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने रासगनी और अदली नाम का सिक्का था, ये प्रतीकात्मक सिक्का था। देखिए मैंने बोला था टोकन मनी, ये टोकन मनी यही था वो अदली, जो कांसे का हुआ करता था, उसको चांदी के बराबर उसने उसके मूल्य निर्धारित कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी दांग और दिरहम इस नाम के सिक्के जारी किए थे। तो पूछ ले कि मध्यकालीन भारत में दिरहम क्या हुआ करता था, कोई सेना का अधिकारी था, कोई भूमि की पैमाइश थी है ना, और एक राजत्व सुल्तान का प्रतिनिधि या एक सिक्का, तो वो दिरहम हुआ करता था, तांबे का सिक्का, और दांग भी इसे कह देते थे है ना। दांग, दिरहम, अदली, रासगनी, टंका, माशा, अदल, जीतल, टंका, देहली वाला सिक्का, ये सब क्या होते थे, सिक्के उस काल के हुआ करते थे। ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। सल्तनत काल जो है उसमें उसका प्रशासन के बारे में वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, सल्तनत काल जो है वो पूरी हो गई है। कल के लेक्चर में हम सूफ़ी और भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सूफ़ी और भक्ति आंदोलन जो है उसके हम दो लेक्चर बनाएंगे, एक भक्ति आंदोलन का, एक सूफ़ी आंदोलन का, और वहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का कम से कम वहाँ से बनता ही है हर साल, कभी कभी दो भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, ये अपना टेलीग्राम चैनल है लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, आप जाइए यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इसी चैनल पर प्राप्त होगी, और इस और भी कोई पढ़ाई से संबंधित हमें कोई स्टडी मटेरियल देना होगा तो आपको इसी चैनल पे वो मिलेगा। ठीक है, और आपको कोई शंका हो, कोई चीज़ बतानी हो, कोई सलाह देनी हो, सलाह लेनी हो, तो आप हमें अवश्य कमेंट्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।